please sit down. Prasad Singh ji, please carry on. Please start your speech. Nothing will go on record. Please start your speech. No, please sit down. Please sit down. Sir, you please start the record. बहुत बहुत धन्यवाद वाइस चेयरमैन महोदय, मेरा समय बर्बाद हुआ दीजिएगा। मैं दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। yes. अभी जो चर्चा हो रही किसानों पर, ये जरा याद रखना चाहिए, सब लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन इस देश में पहली बार कृषि पर नीति कब आई? जब स्वर्गीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू कृषि मंत्री थे, तब जाकर के 1999-2000 में पहली बार कृषि की नीति आई। कृषि की नीति भी नहीं यहां बनी थी। और 1991 में कितना बड़ा रिफॉर्म हुआ इंडस्ट्री में, उसमें एक मौका था इस देश को कि एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म लाते, और हम लोग उसको मिस कर गए। उसमें भी कितनी चर्चा थी जब लिबरलाइजेशन हो रहा था, उसके पक्ष विपक्ष दोनों थे, और आज सब लोग कहते हैं कि अच्छा निर्णय था। और अभी मैं सुन रहा था जो पहला एक्ट है, सब लोगों का अप्रिहेंशन जो एपीएमसी वाली बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार हमारा पहला प्रदेश है, जब हमारी सरकार वहां बनी 2005 में, 2006 में ही हम लोगों ने वहां एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया? क्योंकि वहां पर क्या था, जितने अहतिये थे, जितने और लोग थे, जितने उसमें कर्मचारी लगे रहते थे कमिटी में, सब जगह भ्रष्टाचार थे। और मैं सुन रहा था कि एपीएमसी खत्म हो जाएगा तो एमएसपी का क्या होगा, प्रोडक्शन का क्या होगा, प्रोडक्टिविटी का क्या होगा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एपीएमसी खत्म हुआ और आज आप जरा देख लीजिए इस बात को कि बिहार में जहां पहले कोई प्रोक्योरमेंट 2005 के बहुत नॉमिनल होता था, आज 15 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है और किसानों को एमएसपी मिल रहा है। तो एमएसपी, ये जो एपीएमसी खत्म होने से किसानों का एमएसपी नहीं समाप्त होता है। दूसरी बात, जरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देख लीजिए, जिस बिहार में 2005 में मात्र 81 मिलियन टन, मतलब अन्न का उत्पादन होता था, आज 186 मिलियन टन। आप ये देख लीजिए जो प्रोडक्टिविटी है धान में, उसके प्रोडक्टिविटी में बिहार नंबर एक पर रहा, गेहूं में नंबर एक पर रहा, आलू की प्रोडक्टिविटी में नंबर एक पर रहा। तो इस प्रकार का जो एपीएमसी के बारे में हम लोग बार बार जो चर्चा कर रहे हैं, इसके रहने से निश्चित रूप से एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है और पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर का मार्केट रहता है वो क्लॉक्ड रहता है। और इसके आ जाने से ये पूरा का पूरा किसानों को जो पूरी आजादी मिल जाएगी। और आप जान लीजिए कि इससे निश्चित रूप से जो हमारे गांव के किसान हैं उनके पास ऑप्शन आ जाते हैं, और जब ऑप्शन आता है तो निश्चित रूप से उसमें तरह तरह की इन्वेस्टमेंट आते हैं। और सबसे जरूरी क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा रूरल इकोनॉमी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। आज ग्रामीण इलाकों में क्या है, आबादी बढ़ गई है, जो हमारे लैंड होल्डिंग्स है वो छोटे होते जा रहे हैं, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। और इसीलिए जो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात है, आपको मैं फिर बता देना चाहूंगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जो आई थी पॉलिसी, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र था और उस पर भी उसमें बहुत चर्चा। सर, लास्ट मिनट लागू हो गया होता तो आज हमारी स्थिति और दूसरी होती। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोगों को जितने भी, ये दोनों तो बहुत अच्छे कानून है, इससे कृषि को बहुत फायदा होगा, लेकिन मेरा एक अनुरोध होगा कि किसानों की आमदनी और कैसे बढ़े, किसानों को एक मिनिमम आमदनी उनको एक हेक्टेयर पर कितना हो, इसके लिए जितने हमारी पॉलिसीज हैं चल रहे हैं, जितने हमारे स्कीम चल रहे हैं, उन सबको एक बार अध्ययन कर करके सबको इस प्रकार से अलाइन करें, इससे किसान इस बात के लिए आश्वस्त हो कि प्रति हेक्टेयर हमको साल भर में इतना कम से कम मिनिमम गारंटी हमको उसकी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट स्पीकर श्री के रागेश